अभी अभी अबू आए हैं, मैं सोया हुआ था, मुझे उठाया है, बोलते हैं कि डोनट मर गया, पता नहीं मरा है या नहीं। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मरा नहीं, ऐसे लेटा होगा, अबू को लगा होगा, इन्होंने देखा होगा कि मर गया। जल्दी जल्दी जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। सच में डोनट मार चुका है। ये देखें, मैं रात लेट यहाँ से गया, इनको देखता रहा, तब तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, ये कॉर्नर में वहां पर बैठा हुआ था। उसके बाद मैं जाके सो गया, मुझे पता ही नहीं। अब्बू आए अभी, बता रहे हैं कि भाई उठो, सच में मर चुका है। देखें, सिर्फ एक गलती की वजह से ये कुंडी अली खुली छोड़ के चला गया था, और इन्होंने ये दरवाज़ा खोला, ये सारे बर्तन ऐसे नीचे को गिराए और सारा ऐसे ये खा गए। कल हमने इसे जो मैं कर सकता था मैंने किया, और हमें यही लगा कि ये ठीक हो जाएंगे। अब अबू मुझे नहीं छोड़ने वाले। बाकी तो हमारी सारी बकरियां ठीक हैं, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ये सेम वैसी है जैसे हमारा डोनट था। देखें, बिल्कुल सुस्त हुई पड़ी है, इसकी हालत देखें कितनी ज़्यादा, एक दिन के अंदर ये कमज़ोर हो चुकी है, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही। डॉक्टर इस वक्त नहीं मिल सकते, ईद की छुट्टियों पे गया हुए हैं, भाई को भेज दिया, मामू को बुलाने के लिए गया हुआ है। इसने, डोनट ने और साथ अजवा ने बहुत ज़्यादा खा लिया था। अजवा तो मामू के पास है, वो उसे खुद ठीक कर लेंगे। डोनट हमारा चला गया और साथ में बस यही रह गया जिसको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दवाई वगैरह देते हैं, खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं खाती। तो फिर भाई कह रहे हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, इसको भी मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते, फिर इसको ज़िबा करना पड़ेगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, बाकी इन बकरियों को हम वापस घर लेकर आ चुके हैं और इनको यहाँ पर बंद कर दिया। मामू आए हैं, इसको देख कर गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये शुक्र है ठीक है, बच गई है। जिस्म के अंदर अगर पानी रुक जाए तब जानवर के मरने का ख़तरा होता है, और इसके जिस्म के अंदर पानी ही रुक गया था। बाकी तो हमने यहाँ की सफाई करके ये नीचे चीज़ें डाल दी हैं, अब ये सारा दिन यहीं पर रहेंगी। मामू ने मना कर दिया है इनको शाम तक कुछ भी खाने के लिए और पीने के लिए नहीं देना, शाम के वक्त ये बैठ जाएंगी, चारा खाएंगी और फिर वापस आएंगी, और फिर इनको पानी पिला कर यहाँ पर बंद कर देना, इनको आज और कल वंडा नहीं देना बिल्कुल भी। अगर हम इसको भी शाम के वक्त कम पानी पिलाते तो हो सकता है ये बच जाता, लेकिन हमें क्या पता था, हमने इसे पानी दिया है, इसने थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया है। तो बस अब्बू आके जा चुके हैं, मेरी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो चुकी है एक छोटी सी हमारी गलती की वजह से, भाई कितना बड़ा नुकसान हो गया। अभी बस इसके लिए जाके हम बड़ा सा गड़ा खोदेंगे और फिर उसको दफना देंगे। काफ़ी देर से मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था, पहले काफ़ी तेज़ बारिश थी, अब बिल्कुल आहिस्ता हो चुकी है। तो मुझे जाकर जगह देखनी है कहाँ पर हम उसे दफना सकते हैं, ऐसे उसे फेंकेंगे नहीं, फिर कुत्ते वगैरह आकर उसे चीर फाड़ डालेंगे, और फिर जगह जगह जब भी हम यहाँ पर आएंगे वो हमें पड़ा हुआ दिखेगा तो और ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कहीं कोई गड़ा खोदेंगे, अपने डोनट को उसमें दफनाएंगे। जगह हमने खोद दी है, हमारा बगीरा उस जगह पर हमने दफनाया था, लेकिन अब वो ज़मीन खाली नहीं है, ये वाली ज़मीन खाली है, बाकी हर तरफ अभी फ़िलहाल फसल लगी हुई है, तो ये वाली जगह ही हमें मुनासिब लगी है। जगह तैयार हो चुकी है, अब वापस मैं घर जाता हूँ और उसको लाते हैं। ये देखें, जो पानी इसने पिया था अब सारा पानी इसके मुंह के रास्ते से ना ऐसे को आ रहा है, इसके जिस्म से पानी निकल ही नहीं सका, अगर पानी इसके जिस्म से निकल जाता तो ये बच जाता। ये इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी डोनट के साथ कि अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिए। जो ही हम डोनट को उठा के उस तरफ लेके गए ना, जब तक वो यहाँ पर था ये चुप थी, अब जो ही मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँगा ना, इन्होंने इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, एकदम से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना। अली को मैंने उस तरफ वापस घर भेज दिया है, अब मैं
और डोनट, यहाँ पर दोनों केले हैं। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है, शायद इसके जीते जी जो मैं इससे नहीं कर पाया था। पिछले रमज़ान में मैं इसे लाया था, ये रमज़ान इसने मेरे साथ गुजारा, ईद भी मेरे साथ गुजारी और आज ये हमें छोड़ के जा चुका है। तकरीबन एक साल ही हमारे पास रहा है। इसके साथ कैंडी भी थी जो कि शायद इसे छोड़ के पहले ही चली गई थी, आज ही उसके पास उससे मिलने के लिए जा रहा है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इससे शायद ना मिल सकूं, लेकिन ये आज अपनी कैंडी से जाकर ज़रूर मिलेगा। आज फिर मैंने अपने ही हाथों अपने एक और दोस्त को दफना दिया। हो सकता है दोस्तों, शायद मैंने घर वालों से बात की है, अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ये फार्म हाउस बहुत जल्द ख़त्म कर देने वाला हूँ। एक ही साइड रखूँगा, खुद उसकी हिफाजत करूँगा और अच्छे से उनकी केयर करूँगा। इसके मरने के पीछे भी काफ़ी एक लंबी स्टोरी है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। कुछ दिन तक हो सकता है मैं आपको बता दूँ इसके पीछे असली वजह क्या है। अली से दरवाज़ा खुला रह गया गलती की वजह से, एक मर चुका और बाकी भी अभी एक बकरी ठीक नहीं है। पहले से तो बेहतर है लेकिन तबीयत उसकी भी ख़राब है, अब मुझे उसको बचाना है पहले। तो अब ये रहे मेरे दोस्त और मुझे इन्हीं के साथ यहाँ पर दिल बहलाना है। इस सिचुएशन में तो मैं किसी इंसान से दिल नहीं बहलाता भाई, किसी इंसान के पास जाते नहीं, अभी घर में भी नहीं जाना। अब मैं यहाँ पर बैठूँगा, इनके साथ थोड़ी सी बातें शातें करूँगा, प्यार शेयर करूँगा और फिर अपना टाइम यहीं पर पास करूँगा। अब हो सकता है मैं आज तो फार्म हाउस की तरफ कम ही जाऊँ क्योंकि इस वक्त मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल दिल नहीं जाता। मिलता हूँ फिर आपसे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रात के 10:30 हो चुके हैं और मैं बार बार आ रहा हूँ सिर्फ इसको देखने के लिए, बाकी तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बस हमें इसकी टेंशन है कि यार इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आज हमने इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया, कल सुबह ही ये चारा खाएंगे और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी। पहले तो ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, बैठ जाती थी, लेकिन अब ये काफ़ी देर से ना बिल्कुल ऐसे खड़ी है लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि इसके जिस्म से सारा पानी ख़त्म हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, कल सबसे पहले इनको सब चारा दिया जाएगा और इनको ना हम खुले से एरिए में छोड़ गएंगे जहाँ पर ज़्यादा सा सब्ज चारा होगा, ये सारा दिन सब्ज चारा खाएंगी क्योंकि सब चारे के अंदर पानी होता है। इनकी भूख भी वही चारा मिटाएगा और प्यास भी वही चारा मिटाएगा। क्योंकि अब इस तरफ खरगोशों के बच्चे हैं तो बिल्ली का डर लगा रहता है कहीं ऊपर से आकर उनके ऊपर हमला ना कर दे। यहाँ पर पहले भी छोटे छोटे बच्चे थे तो यहाँ से वो गायब होते रहते थे, तो अब बार बार इन बच्चों को भी आकर देखना पड़ता है कि भाई कहीं इन बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो सारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जल्द से जल्द मुझे इस जगह का भी कोई ना कोई हल निकालना है।